भी ज्यादा लोग हैं। इतनी पुलिस फोर्स, वेपन्स, पावर। जस्टिस कैन ओनली बी ओवरकम विद जस्टिस। लेना गलत नहीं है जज साहब। 73 साल बाद मिलेगा रजनीकांत बिग बी फैंस को तोहफा, लेकिन इनकी बेटियां को हिंदी में रिलीज करना क्यों जरूरी है? क्या इससे बढ़ेगी पंगी कलेक्शन? सुपरस्टार एक्टर रजनीकांत जेलर के बाद एक बार फिर से अपने बुरे पुलिस वाले अवतार के साथ बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। टीजे ज्ञानवेल द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म में रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, ऋतिका सिंह, दुशारा विजयन, मंजू वॉरियर, राणा दग्गुबाती, फहद फासिल, अभी रामी जैसे एक्टर्स हैं और इसका म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंद्रन ने दिया है। फिल्म के लिए चर्चा और प्रत्याशा बहुत ही अधिक है और ट्रेलर लॉन्च के बाद से इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म ने पहले ही प्री सेल्स में $500,000 की कमाई कर ली है और ट्विटर एनालिस्ट का कहना है कि फिल्म अपनी रिलीज के पहले ही दिन दुनिया भर में 125 करोड़ रुपए की कमाई करेगी। फैंस और फिल्म ऑडियंस 3 दशकों के बाद अमिताभ बच्चन और रजनीकांत को स्क्रीन शेयर करते हुए देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। ये संयोजन बहुत ही अच्छा है क्योंकि फिल्म का मेन अट्रैक्शन फिल्म में अमिताभ बच्चन की रजनीकांत के साथ टक्कर है। हालांकि दोस्तों, ये एक बंपर शुरुआत करने जा रहा है और इसके 6 दिन लंबे वीकेंड के साथ सिंगल रिलीज डेट है जो रिलीज होने के सिर्फ 5 दिन दूर है, जो 10 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। इसके साथ कोई दूसरी रिलीज नहीं है और जिगरा बहुत छोटी फिल्म है और इसका इंटरनेशनल बाजार नहीं है। मल्टीप्लेक्स में साउथ फिल्म रिलीज के बारे में बात करते हुए विश्लेषक रमेश बाला ने कहा, ये फिल्म पहले दिन सभी भाषाओं में लगभग 125 करोड़ रुपए से 150 करोड़ रुपए तक कमा सकती है और वीकेंड में लगभग 275 करोड़ रुपए तक इसकी कलेक्शन जा सकती है। जी हाँ, लेकिन यहाँ एक वार्निंग है क्योंकि फिल्म एक नॉर्मल रजनीकांत फिल्म नहीं है। उन्होंने कहा कि ट्रेड एनालिस्ट निश्चित रूप से एक्साइटेड है क्योंकि दो दिग्गज एक्टर वास्तव में लंबे समय के बाद एक साथ आ रहे हैं और उम्मीद है कि फिल्म नॉर्थ इंडिया के मल्टीप्लेक्स में भी रिलीज होगी। आखिरकार लंबे समय तक चलने के लिए वेटियान को बॉक्स ऑफिस पर बड़ा बनाने के लिए हिंदी रिलीज की जरूरत है, लेकिन फिर से ये कंटेंट ही है जो फिल्म के भाग्य का फैसला करेगी और जो सबको फिल्म के रिलीज के पहले दिन मालूम चलेगा। व्यापार जगत के कुछ एनालिस्ट का मानना है कि साउथ नॉर्थ का संयोजन हमेशा व्यापार के लिए कारगर रहा है और ये उतना नया नहीं है जितना उसे बताया जा रहा है। फ्रेंड एनालिस्ट गिरीश वानखेड़े की भी फिल्म को लेकर उम्मीदें हैं और उन्होंने कहा कि वेट्टियान वीकेंड में 250 करोड़ रुपए के आसपास तक कमा सकती है। उन्होंने कहा कि ये हाल के सालों की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है जिसमें दो सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और रजनीकांत एक साथ एक शानदार एक्टर्स की टोली है जो अपनी सुपरहिट फिल्म हम के 73 साल के बाद आ रहे हैं। इतने लंबे गैप के बाद इन दोनों दिग्गजों की केमिस्ट्री को स्क्रीन पर देखना सिनेमा प्रेमियों और उनके फैंस के लिए एक बेहतरीन तोहफा है। सुपरस्टार रजनीकांत एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की भूमिका में है, जी हाँ, जबकि अमिताभ बच्चन ह्यूमन राइट्स सेवियर की भूमिका में है दोस्तों, और टेक्निकली दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं। फिल्म के बड़े होने का अंदाजा इसके एडवांस बुकिंग से ही लगाया जा सकता है क्योंकि वेट्टियान को सेंसर बोर्ड से भी हरी झंडी मिल गई है। मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर थलाइवा का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, हंट सर्टिफाइड है, वेट्टियान को यूए सर्टिफिकेट मिला है, एक्शन से भरपूर एक असाधारण फिल्म के लिए तैयार हो जाइए। फिल्म की एडवांस बिक्री की शुरुआत धमाकेदार रही और इसके शुरू होते ही 7 शो बिक गए। इसने लगभग 4,000 टिकटों की बिक्री से $97,000 मतलब की लगभग 80 लाख रुपए की कमाई कर ली है। इस फिल्म की शूटिंग चेन्नई के अलावा हैदराबाद, मुंबई और तिरुवनंतपुरम समेत भारत के कई खूबसूरत जगहों पर की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म को 160 करोड़ रुपए के बजट के साथ बनाया गया है जिसमें से हाफ बजट प्री सेल से ही क्लियर हो गया। ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी रिलीज में से एक होने वाली है जिसे देखना शानदार रहेगा। राणा दग्गुबाती, दुशारा विजयन, ऋतिका सिंह और मंजू वॉरियर सहित अन्य स्टार कास्ट ट्रेलर में अपने किरदारों में बिल्कुल सही दिखाई दे रहे हैं और फहद फासिल एक बेहतरीन सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसके लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड। व्हाट्सएप हाई टू 8828850888।